इंसान की कमर झुकती नहीं है बेवजह, अर्श से तलाश है जमीन मजारे काबिल, एक योग्य मृत्यु के तलाश में कमर झुके हैं। कहा जाता है कि काशी ढूंढे, यहाँ की गलियां, यहाँ के लोग, यहाँ की मिठाइयाँ और यहाँ की गंगा आपको आपके उद्देश्य से मिलाने में सहायता करती है। यूं तो ये भी कहा जाता है कि काशी के कण कण में शंकर हैं और शंकर के कण कण में गंगा, वो गंगा जो पाप विनाशिनी है, वो गंगा जो कल्याणकारिणी है, वो गंगा जो कष्ट हरणी है और वही गंगा जो आज मैली है। सुंदरता स्वास्थ्य वर्धक यथार्थ, वो जो हिमालय के जड़ी बूटियों के बीच से बहती हुई आई है गंगा जी में, लोगों के तकलीफों को रोगों को दूर करने के लिए एक अद्भुत क्षमता हुआ करती थी। हमने इसको पास्ट टेंस में बोला क्योंकि प्रेजेंट टेंस में वो क्षमता गंगा जी कहीं खो दी है, या खो नहीं दी है, हमने उसे नष्ट किया है। गंगा मैया की इस हालत का दोषी कई लोग मणिकर्णिका घाट को भी ठहराते हैं। मणिकर्णिका घाट बनारस का वो घाट है जहां आठों काल बारों महीना सिर्फ और सिर्फ चिताएं जलती हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि गंगा मैया आज इन चिताओं के कारण भी दूषित हैं। देखिए, काशी में माँ गंगा मसाननाथ महाश्मशान, बाबा विश्वनाथ, माँ दुर्गा, बाबा गुरु बजरंग बली, शंकर मोचन, ये बनारस इन्हीं लोग पे डिपेंड है। तो माँ गंगा वो है कि दुनिया का पाप वो खुद ही बहा लेती हैं, तो डेड बॉडी जलने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग माँ गंगा को सफाई कर रहे हैं, अभियान कर रहे हैं कि माँ गंगा जो है शुद्ध रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ गंगा तो खुद ही सबका पाप धुलती हैं। मान्यता है कि गंगा मैया सबके पाप धोती हैं, मगर सवाल ये है कि गंगा मैया के मैलेपन को कौन साफ करेगा। गंगा जिन जीव जंतुओं का घर थी, अब वो घर धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, और अब भी हम यही मानते हैं कि माँ गंगा सबके पाप धोने की क्षमता रखती हैं। The blood circulation which is taking place in your body and bhojan you are taking, both are interrelated. आप जवान आदमी हैं, भोजन नहीं करेंगे कितना देर काम करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा you will be exhausted. Yes sir. तो भोजन is essential. You may be young or old. आपको मैं बताया था कि भीम गोरा वैरेज, नरोड़ा वैरेज, बिजनौर वैरेज जंगली जीव बनाया, उसके बाद फरक्का वैरेज जो कांग्रेस सरकार ने बनाया। देर आर कैंसर कैंसर रोग ऑफ गंगा सिस्टम। अब गंगा प्रदूषण के कारण और उसकी प्रभावशीलता की गिनती करना तो शायद असंभव है, बिल्कुल उन परियोजनाओं की तरह जो गंगा की साफ सफाई करने के लिए बनाई गई थी। मगर आज भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो गंगा के सुधार के लिए काम कर रहे हैं कि 90% ऑफ द पोल्यूशन इज ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ रॉ सीवेज। तो फर्स्ट फेज में इन्होंने काम किया था, वो करीब 102 एमएलडी के इनके एसटीपी बने थे। उस समय जो डिस्चार्ज था म्यूनिसिपल सीवेज का, इट वॉज अराउंड 150, मच लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। और आज के तारीख में 350 हो रहा है डिस्चार्ज, ये हम आपको बता रहे हैं आज से 30 साल पहले की बात।
आज देखिए ये गति हो गया 350 ml, तो अभी जल्दी जल्दी में इन लोगों ने दो और SKP बनाए, तो 102 पुराना था और उसके बाद बनाया 140, फिर 120, कितना हुआ टोटल 362 हो गया। लेकिन ये कहने के लिए है वो उनके SKPs काम नहीं करते हैं। अच्छा काम करेंगे भी तो उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है वो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एक्टिवेटेड स्लज ESP, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो उसमें क्या है कि दैट टेक्नोलॉजी डजंट हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ रिमूविंग फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। वी हैव ऑलरेडी प्रपोज्ड ए फुल प्रूफ सिस्टम टू द गवर्नमेंट एंड दैट टेक्नोलॉजी वॉट एवर वी हैव, तो उसमें हम लोगों ने एक वेल डिजाइंड इंटरसेप्टर अलोंग द रिवर उसमें बनाया था। उससे क्या होता कि आपका टोटल इंटरसेप्शन हो जाता, टोटल डाइवर्शन होता, और जो उसमें STP हम लोगों ने प्रपोज किया था इट वॉज एन अमेरिकन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी AIWPS एडवांस इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर पॉन्ड सिस्टम। हम लोगों ने उसका यहाँ तक कि DPR भी बना के गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। अब वो जो है वहीं पे गवर्नमेंट ऑफिस में पड़ा हुआ है कि इसको बोलो मत कहीं कि इससे अगर ठीक हो गया तो हमारा सब गड़बड़ होगा। गंगा के दोनों तटों पर आज भी ऐसे कई छोटे बड़े चोर नाले हैं जिनसे 24 घंटे गंगा में सीवेज का पानी बिना किसी शोधन के सीधे बहाया जाता है और लोग इसे देखकर भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो गंगा को माँ तो कहते हैं लेकिन मानते नहीं और ना ही इसके प्रति कोई जागरूकता रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के लोग जो हैं सिर्फ गंगा के दुश्मन हो गए हैं, नहीं, वो अपने मूल के दुश्मन हो गए हैं, ये पूरी प्रकृति के दुश्मन हो गए हैं। जो हमारे पास इतिहास है 2,500 साल का, अगर हम उसको देख करके बात करें, आप नमामि गंगे या राजीव गांधी तक ही क्यों जा रहे हैं, आप इसके पूर्व पहले भी क्यों नहीं जा रहे हैं, सवाल तो आपका इसके पहले भी जा सकता है। सरकार कोई भी रही हो हमेशा शोषण करती है। गंगा तो बिगड़नी ही तब शुरू हुई जब सरकारी तंत्र ने काम करना शुरू किया। आज से 13 महीने के अंदर, 13 महीने मैं समय दे रहा हूँ, हमारे प्रोजेक्ट 100% पूरे होंगे और गंगा 100% अविरल और निर्मल होंगी। आज गंगा जी के इर्द गिर्द बसे गांवों, कस्बों और शहरों में माँ गंगा के प्रति दायित्व का बोध अभूतपूर्व स्तर पर है। कहे है सब जन गंगा मैया, फिर भी करे हैं तिरस्कार। उठो जागो समझो अब तो, यही है जीवन का आधार।